देवभूमि उत्तराखंड के पहाड़ों पर बनी अवैध मजारों को हटाने को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त निर्देश दिए। मुख्यमंत्री के इस फैसले से संत समाज काफी उत्साहित है और भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए सरकार की तारीफ की है। हरिद्वार के पथरी क्षेत्र में आयोजित संत सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने सीएम धामी के अवैध मजारे हटाने की बात का स्वागत किया। सरकार की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि सीएम धामी के इस कदम से देवभूमि उत्तराखंड में पहाड़ों पर जमीन जिहाद रोकेगा। वहीं कार्यक्रम में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने भी सीएम धामी सरकार की अवैध मजारों पर कार्रवाई को सही बताया और कहा कि संत समाज लंबे समय से इस फैसले की मांग कर रहा था। यदि अब भी सरकार इनको नहीं हटाती तो साधु संत खुद इन अवैध मजारों को हटा देते। मुझे लगता है देर से उठाया हुआ एक बहुत ही अच्छा स्तुत्य कार्य है। अवैध कार्य, अवैध मजार या अवैध जो कुछ भी है वो राष्ट्र हटना ही चाहिए। सरकार का काम है, मेरा काम नहीं है। सरकार चिन्हित करेगी अवैध क्या क्या है और अवैध को हटाने का अगर संकल्प सरकार ने लिया है तो मैं हृदय की गहराई से धामी जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ और आशीर्वाद भी देता हूँ। जिन्हें जो आदेश दिया है या निर्णय लिया है शासन के द्वारा वो सराहनीय कदम है। भारत में कहीं भी अतिक्रमण किसी धर्म के द्वारा अगर होता है तो निंदनीय है। उत्तराखंड अपने आप में एक देवभूमि है और राष्ट्रीय जो पार्क है हमारा, वन विभाग का जो है, जीव जंतु जिसमें रहते हैं, वहाँ अगर कोई मंदिर या मजार या दूसरा कोई ढांचा खड़ा करता है तो उसको तत्काल वन विभाग को हटाना चाहिए। अगर उसमें कोई चीज़ ऐसी आ रही है सामाजिक विद्वेष फैलाने की या समाज में कोई भी विघटन होने की कार्रवाई, तो पुलिस को उसको सख्ती से निपटना चाहिए। तो मैं मुख्यमंत्री जी के इस बयान का स्वागत करता हूँ। साधु समाज इससे प्रसन्न है। हम स्वयं भी इसका प्रयास करें, एक नागरिक होने के नाते किसी प्रकार की गैरकानूनी गतिविधियों में लिप्त ना रहें। हरिद्वार में क्योंकि हरिद्वार के तीन तरफ जो है जंगल है और जंगल में अगर ऐसी घटनाएँ घट रही हैं तो आने वाले समय में, क्योंकि हरिद्वार एक ऐतिहासिक तीर्थ स्थल है, पूरी दुनिया से लोग हरिद्वार में आते हैं। पुराणों में कहा गया सतयुग में पुष्कर, त्रेता में नैमिषारण्य, द्वापर में कुरुक्षेत्र हो, कलयुग में हरिद्वार प्रधान तीर्थ है। तो इसकी प्रधानता तभी रहेगी जब यहाँ जो धार्मिक वातावरण है, माँ भगवती गंगा का तट है और देवालयों का यहाँ बहुत बड़ा समूह है और पास में मुस्लिम जो बंधु हैं उनका प्रयाण कलीर एक बड़ा तीर्थ है यहाँ, तो उसमें भी संतों की तरफ से कभी किसी प्रकार का आरोप या किसी प्रकार का विरोध नहीं हुआ है। तो मेरा उनसे भी अपील है कि इस प्रकार की गतिविधियों से अपने आप को बचाए रखें वो, जिसमें समाज में विद्वेष ना फैले। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में।